हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमपीएस इंफोटेक्निक्स की, जिसको विशेष इंफोटेक्निक्स भी कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि इसके अंदर मंडे से या ट्यूसडे से इसमें अपर सर्किल लग जाए, तो दोस्तों आज मंडे है और आज इसके अंदर हमें अपर सर्किल देखने को मिला। और अपर सर्किल लगने का रीज़न क्या है वो भी मैंने आपको बताया था। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है तो प्लीज़ आज की वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए और ऑपरेटर से कैसे सावधान रहना चाहिए और कैसे उनसे एक कदम आगे चलना है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो 1 रुपये 75 पैसे का इसका रेजिस्टेंस बन चुका है, और अगर सपोर्ट की बात करें तो 1 रुपये 40 पैसे का इसका सपोर्ट है। और अभी अगर इस वीडियो में हम इसके शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो दोस्तों, इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट होने वाला है वो होने वाला है 2 रुपये का। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको जो हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपने इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, अब वो धीरे धीरे आप निकालते रहें इसके अंदर से, और जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वो इसके अंदर छोड़ दें। और जो इन्वेस्टर इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहता है तो दोस्तों वो इसके अंदर बने रहें, उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं वो अपनी अमाउंट धीरे धीरे निकालते रहें इसमें से। दोस्तों, जो एक बड़ी न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि 9 फरवरी को इसमें बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, जिसमें हमें कुछ बड़े बदलाव और कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यही एक बड़ी न्यूज़ थी जिसके कारण से इसके अंदर आज अपर सर्किल लगा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर अभी लोअर सर्किल लगा हुआ है, और जिसको भी इसमें फ्रेश एंट्री लेनी है तो अभी आपके पास मौका है, इसके अंदर अपनी एंट्री बना सकते हैं। क्योंकि जब ये फिर से अपर सर्किल में होगा और आप इसमें अमाउंट लगाएंगे और ये शेयर इस टाइम आपको नहीं मिलेगा, और आई होप कई लोगों ने इसमें लोअर सर्किल में एंट्री ली होगी और आज मॉर्निंग में भी इसके अंदर एंट्री लेने का मौका मिला होगा। आज इस शेयर ने कई लोगों को एंट्री लेने का मौका दिया और कई लोगों को बाहर जाने का मौका दिया। जिन लोगों ने वो न्यूज़ देखी होगी कि इनकी बोर्ड की मीटिंग होने वाली है तो उन्होंने इसमें एंट्री ली, और जो लोग पैनिक में थे, जिन्होंने न्यूज़ नहीं देखी होगी, वो इससे एग्जिट हो गए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो भी पैनिक से रोते हैं वो अपने न्यूज़ के दम पर चलते हैं। जब उनके अंदर कोई न्यूज़ आने वाली होती है तो वो अपर सेक्टर में हो जाते हैं और वो अप ट्रेंड में चले जाते हैं। तो आप इन शेयरों को न्यूज़ के आधार पर पकड़ें और छोड़ें, जैसे कि आज के शेयर में हुआ, विशेष में हुआ। विशेष की जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको शनिवार को बता दी थी, और आज इसके अंदर अपर सर्किल लगता हुआ दिखा हमें, और जो कि कंटिन्यू अपर सर्किल में रहा। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी आप सबके मोटिवेशन के लिए। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।